सो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे को और एक नया वीडियो में। तो जो मॉली फिश का फ्राई होता है, उसको खाना खिलाने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, हाई प्रोटीन का जो खाना होता है, वो आज दिखाएंगे कैसे खाना खिलाना पड़ता है उनको खाना। ठीक है ना, चलिए मेरे सेटअप पर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं मेरे सेटअप पर आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारा मॉली का फ्राई है, तो मैं आज दिखाऊँगा कैसे उसको खिलाना पड़ता है, मतलब कौन सा खाना देने से उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा और मतलब बहुत ही लो कॉस्ट में आ जाएगा आपके पास। घर में होता है सबके घर में, तो वो खिलाने से मछली का ग्रोथ बहुत जल्दी होगा और उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, मरेगा भी नहीं। आपका फिश जो होता है फ्राई, जो खाना नहीं दे पाता है आप लोग, उसके वजह से मरता है, तो वो भी नहीं होगा। चलिए दिखाते कैसे बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है एक जो एग होता है ना, अंडा, अंडा का जो योग है वो है ये। तो इसको कैसे देना पड़ता है, देखिए, इसको पहले आप लोग ऐसे थोड़ा ले लेंगे ऐसे, उसके बाद यहाँ से जो आपका सेटअप में पानी है वहाँ से थोड़ा पानी ले लेंगे ऐसे। पानी लेने के बाद इसको पानी में थोड़ा भिगा के इसको अच्छे से ऐसे डस्ट कर दीजिए, पानी में मिला लीजिए ऐसे। मिलाने के बाद मिला लीजिए ऐसे, मिक्स कर लीजिए ऐसे। मिक्स करने के बाद आपके जो सेटअप में फिश है, देखिए, अभी मैं इनको बुला लेता हूँ पहले, अभी आ जाएगा ये लोग सब। अभी देखिए, अभी इसको खाना देंगे, मैं अच्छे से डाल देंगे ऐसे, सब मछली से खा लेगा। यहाँ पे मेरा बहुत छोटा छोटा फ्राई है, इसको भी थोड़ा दे देता हूँ, बस जो बचा उचा है सब यहाँ पे दे दूँगा, सब ये खा लेंगे। देखिए अभी कैसे खाएंगे, सब मछली का बच्चा आ गया, अभी खा रहा है, देखिए। सो दोस्तों, आप लोग देख लिए कैसे खाना देना पड़ता है। तो ये जो मेरा मौली का बच्चा, ये तो एक महीने का हो गया, इसलिए मैं उतना डस्ट नहीं किया, मतलब वो अंडे का जो योग है उसको। लेकिन आपका जो मछली होगा वो तो नया पैदा होगा ना, इसको थोड़ा आप लोग थोड़ा पानी में ऐसे उंगली में ऐसे ये करके थोड़ा दे देंगे तो अच्छे से डस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो आराम से खा लेगा। ऐसे खिलाने से आपका मछली का, इस अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो आपका मछली का ग्रोथ भी अच्छा होगा और आपका फिश मरने का चांस भी बहुत कम है। और खाना देने का एक तरीका है कि ज़्यादा मत देना, मतलब एक दिन में 3-4 बार देंगे वो सही है, टाइम ज़्यादा कर दीजिए, लेकिन बहुत क्वांटिटी बहुत कम, मतलब जो खाने का, अगर जो पैलेट है, फिश पैलेट, 4 मछली का फ्राई के लिए 1 पैलेट ऐसे आप लोग डस्ट करके दे देंगे। अगर योग देना है तो बहुत कम देंगे ऐसे कैलकुलेशन करके, तो ऐसे करेंगे तो आपका फिश का ग्रोथ भी अच्छा होगा, मरेगा भी नहीं। और बने रहिए मेरे साथ, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए।